चलो बाबू, देखो शैतान, अब शांति से पहले सुनो 20 मिनट, तब समझ में आ जाएगा। नैतिक मन से पढ़ना बहु नैतिक। आपको क्या करा, फ्रैक्शन, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो बाबू कल आपको बताया बाबू फ्रैक्शन किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन बताया ना। कोई भी एक होल पार्ट को अगर जो छोटे छोटे पीस में कट कर दे, इक्वल पीस में, है ना, तो हर एक पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, आज आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन का। कल इंटीजर वालों बताया ना कैसे रिप्रेजेंट कर, उसी तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। ठीक, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो देखो क्या करा, अब सर हमेशा ये जिंदगी भर याद रखना, ये हमेशा यूज होगा, जब तक तो जिंदा रहोगे ये हमेशा यूज होता। जब भी डिनोमिनेटर, शांति से समझना, जब भी डिनोमिनेटर में नंबर कोई बड़ा होगा, जैसे 8/10 हो गया, तो डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर का छोटा हो गया, तो इसका जब वैल्यू निकालोगे ना बाबू डेसिमल में, तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा आएगा, हमेशा ध्यान देना। ये आपको होल लाइफ यूज पड़ेगा ये कंसेप्ट, जब भी डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होगा, न्यूमरेटर का नंबर छोटा होगा, डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा होगा, न्यूमरेटर का नंबर छोटा होगा, तो हमेशा जब इसका डेसिमल में वैल्यू निकालोगे ना, तो 1 से छोटा आएगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। डिनोमिनेटर का नंबर अगर बड़ा रहता है न्यूमरेटर से, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू निकालोगे तो हमेशा 1 से छोटा मान आएगा। ठीक, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो वो कितना हो गया, 10/2 मान लो 2 हो गया, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो इसको जब सोल्व करोगे ना, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक, जब भी लाइफ डिनोमिनेटर मेरा कट क्या को होगा, कीजिए। हाँ कट करेंगे तो 5 आएगा, शांति से सुनो, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो हमेशा क्या आ रहा, 5 1 से बड़ा है ना, तो हमेशा इस दो को कंसेप्ट को याद रखना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू आता है 1 से छोटा आता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा वह 1 से बड़ा आएगा। हमेशा ध्यान है, डिनोमिनेटर बड़का नंबर तो वैल्यू 1 से छोटा, न्यूमरेटर बड़का नंबर तो वैल्यू 1, ऊपर वाला बड़ा तो 1 से, ऐसे याद रखो, ऊपर वाला बड़ा, ऊपर मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा तो 1 से बड़ा, और नीचे वाला ऊपर वाला छोटा, न्यूमरेटर का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो यही बात को आपको इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है, इंग्लिश में। सालनी वीडियो ऑन करो, संकल्प वो ऑन करो, ये उत्कर्ष शैतान वीडियो ऑन करो जी, वही लिखल है, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है ना बाबू, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 1 से छोटा हो जाएगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। आगे बाबू क्या, बाबू आपको दिया गया क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। सर देखो इसमें कर, हाँ बोलिए, सिर्फ ऊपर वाले को देखेंगे ना, यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा, और ऊपर वाला ही छोटा होगा तभी 1 से छोटा होगा ना, नीचे वाले से कुछ नहीं करना ना। हाँ ऊपर वाला छोटा होगा तो किस से, डिनोमिनेटर से छोटा, नीचे वाला से छोटा होगा। नेक्स्ट, अब शांति से समझना सॉल्यूशन बाबू। ए नंबर, 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, अब शांति से 10 मिनट सुनेगा, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले सीखो कैसे करेंगे इसे बाबू, सालनी बाबू और लक्ष्मी बाबू, लिखना नहीं है। करा कल हमने क्या पढ़ा था, नंबर लाइन को, ये बाबू इंटीजर को नंबर लाइन पे, 10 को 50 को 100 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला। अब ये फ्रैक्शन है 1/3 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, जंतर मंतर। पहले सुनो, हम एक क्या करेंगे सर, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा किया सर, ठीक है सर, मान लो कितना दे दिया बाबू, कहीं भी 0 दे सकते हो, ठीक ठीक सर। अब ये क्या 1/3 है ना, आप शांति समझना, मतलब ये 1 से छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा होगा, ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, डिनोमिनेटर बड़ा तो न्यूमरेटर छोटा, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, शांति समझना, तो 0 हो गया, कहीं पे 1 दे दो, यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, शांति समझना, ये दूरी 1, जितना इतना इतना दूरी इधर देना उतना ही दूरी इधर देना है। ठीक ठीक सर, ठीक, शांति समझते चलना। विक्रम कहाँ गए, शैतान नहीं है जी, कहाँ विक्रम, हाँ चलो ठीक है, उसे स्टैचू बना रहा हूँ, अच्छा ठीक है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो हमारा हमारे ये नंबर लाइन कहाँ आएगा, 1 से छोटा मतलब 0 1 के बीच में जाएगा, न्यूमरेटर 1 से छोटा है ना, न्यूमरेटर क्या रहा बाबू, डिनोमेटर से छोटा रहा, न्यूमरेटर डिनोमेटर से, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा,
01 के बीच में आएगा। अब शांति समझना, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तीन पार्ट है ना, तो 01 के इस ये जो 01 के बीच में, इसको तीन हिस्सा में बांट, इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड करो, तीन इक्वल पार्ट में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। ये हो गया वन पार्ट, है ना, शांति समझना, ये वन पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, ठीक। डिनोमिनेटर अगर बाबू न्यूमरेटर मेरा क्या बड़ा है छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो एक से छोटा वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 01 के बीच में डिनोमिनेटर में यहाँ कितना तीन है ना, तो इसको कंप्लीट तीन पार्ट में डिवाइड कर देना, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ठीक। तीन को बिंदु हो गया, कितना रिप्रेजेंट करने का है, न्यूमरेटर का वैल्यू वन है, तो ये वाला जो बिंदु रिप्रेजेंट करेगा यही मेरा क्या हो जाएगा, 1/3, यही जो वैल्यू होगा, यही वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/3। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखो, ये दूसरा वाला डॉट कितना हो जाएगा, 2/3, ये तीसरा वाला डॉट कितना हो जाएगा, 3/3, ये वाला सर डॉट अगर कोई का 4/3 4/3 का नहीं, जी 4/3 कह ले आएगा ऐसा होगा तो बाबू आएगा तब ना जी, अकबर कौन है, जितना पढ़ा रहे हैं शांति से सुनो, अभी सभी सबका क्वेश्चन कौन सा है, छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो दूसर केस होगा, वो दूसर केस होगा, ठीक है ना, न्यूमरेटर बड़ा वाला, अभी न्यूमरेटर सब छोटे हैं, तो ये 1/3 हो गया। तो सर वाई जगह मैं सर 3/3 लिखूंगा तो सर गलत नहीं होगा ना। ठीक, 1 के जगह 3/3 लिख सकते हो, नहीं समझ में आया, शांति से भी सुनना, अभी लिखना नहीं है, पहले शांति से सुनो। बी नंबर, जैसे 1/5 है, तो इसके लिए क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रा करो पहले, ठीक, 2/3 कैसे हो गया? सीधा सा कहीं 0 दे दो, है ना। अब ये भी वैल्यू क्या, एक से छोटा है, ये भी वैल्यू क्या होगा, एक से छोटा होगा, क्योंकि सर न्यूमरेटर एक से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो एक से छोटा होगा, तो 0 देना और कहीं दूर में 1 दे दो, ठीक। मन है यहाँ इधर 2 देने का तो दो, नहीं मन है तो मत दो। ये दूरी, ये जितना दूरी है उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। अब देखो एक से छोटा है तो इसका नंबर लाइन कहाँ जाएगा, 0 1 के बीच में जाएगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है ना, तो 0 1 के बीच में इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कैसे करना है सालनी, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 0 1 इतना लेंथ को 5, ऐसे था आपको मान लो 10 रुपया दे दे, कहेगा 5 पार्ट में बांटे ला, तो 2 2 रुपया करके नहीं बांटोगे, एगो छड़ी दे दे, कहेगा बाबू कि उसको 4 पार्ट में बांटो, तो इक्वल इक्वल पार्ट नहीं तोड़ोगे, तो उसी तरह से इतना जो ये लेंथ है इसको 4 5 है नहीं आता, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, 4 पार्ट, है ना, 5 पार्ट इक्वल इक्वल करना है, एक आइडिया लेके, ठीक। नेक्स्ट, वो 5 इक्वल पार्ट में हो गया। अब पहला जो डॉट आएगा ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पहला डॉट होगा, ये जो पहला डॉट होगा ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा डॉट जो होगा 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो डॉट होगा ये आपका ई वाला, ये कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 2/5 को, तीसरा डॉट 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये चौथा डॉट 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमको 1/5 है ना, तो यही वाला मेरा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन में समझो, ये इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ना है ना, सबसे आसान है, देखो सर 2/5 है, आगे क्या कर रहा है, सी नंबर, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहना, 2/5 है, ठीक, तो ये एक से छोटा है, पहले शांति सुनो जी, ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, एक से छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो एक से छोटा है, तो जो एक से छोटा रहेगा उसका नंबर लाइन कहाँ जाएगा, 0 1 के बीच में जाएगा, जो एक से छोटा होगा उसका नंबर लाइन कहाँ जाएगा, 0 1 के बीच में जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, है ना, कहीं पे 0 दे दो, मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 दे देते हो, यहाँ पे इक्वल दूरी पे 2 दे दो, 2 का हमको जरूरत नहीं है, शांति से एक एक बात समझते चलो जितना बोल रहे हैं, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक। अब क्या करना, 2/5 है तो डिनोमेटर में 5 है ना, एक से छोटा, तो ये कहाँ जाएगा, 0 1 के बीच में, डिनोमेटर में 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, अब 2/5 ले रिप्रेजेंट करने का, तो पहला बिंदु 1/5, आई दूसरा जो बिंदु होगा यही मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2/5 रिप्रेजेंट करेगा, आई तीसरा बिंदु 3/5, ये चौथा बिंदु, ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा, 3/5 रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला बिंदु कितना रिप्रेजेंट करेगा, सर ये वाला बिंदु 1/5 सर रिप्रेजेंट करेगा,
और ये वाला 4/5 रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला 5/5 रिप्रेजेंट करेगा। ड्रा करो इतना, आगे समझाते हैं। हाँ बाबू इस्ता, सर इसमें तो सिर्फ 2/5 ही रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो 1/5 और 3/5 भी लिखना जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं है, वो आपको समझाने के लिए लिखे हैं। 1/5, 2/5 ये समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना, कि 1/5 बिंदु ये 4/5 बिंदु, समझाने के लिए लिखे हैं। जिसको नहीं सर समझ में आया, अगला क्वेश्चन सी डी समझाते हैं। क्वेश्चन पूछना था अच्छा सर, ठीक, अगर ये जैसे कोई सारा का डेढ़ में ऐसे ही करने मिला तो हम लोग 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 करके फिर जो नंबर पे होगा उस पे टैरो डाल सकते हैं। हाँ, जो नंबर यहाँ पूछेगा उसी पे एरो डालना, ठीक है ना। आप ही शायद गलती की है काव्या, खाली यह इंडिकेट करके छोड़ दिए। 1/5 पे 1/5 पे एरो डालना, ठीक है ना, बाकी ये सब लिखो चाहे नहीं लिखो, नो सर, मैं डायल लिखती हूँ एरो। कोई बच्चा नहीं डाला था बाबू। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझिए। अरे बाबू वीडियो ऑन करो, अरे ऑन करो जी। पढ़ी हो शालिनी अति शांतनी बाबू ने, फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे बाबू शांतनी शांतनी सर हाँ पढ़ी हूँ। 4/5 को कैसे, 5/4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगी तो जानती हो। नहीं वो पहले नहीं चेप सर, पहले लेकिन आपने पहला पहले हाँ, वाले पार्ट में 1/3 और 2/3 दोनों में एरो लगा दिया सर। यहाँ एक एक के पे लगाओ समझाने, यहाँ एक के पे लगा। शैतान अभी जस्ट पहले आप चैप्टर पढ़ना, पहले चैप्टर पढ़ना। शांतनी रेशनल नंबर बबू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, आप पढ़ी हो शालिनी। यस सर पढ़ ली हूँ। तो 5/4 को कैसे करोगी, लिखो सर उसे सर। नंबर लाइन 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बाबू जल्दी लिखो, में 3/8 लिखा है ना। हाँ 3/8। ये कौन सा है बाबू, भिन्न डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, लिखो जल्दी से, आगे हम लोग करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अगर न्यूमरेटर हुआ है तो सर हाँ बोलिए, रूल लाइन कॉपी में कर सकते हैं फेयर। करोगी लाइन वाला में प्रॉब्लम होता है बाबू, नंबर लाइन वाला सर्किल बनाओगी तो लाइन आपका रेडियस बन जाएगा, है ना, डायमीटर बन जाएगा, फिगर बे में दिक्कत होता है। पापा लाइन को वाला में वर्ड प्रो बनाने के लिए नहीं सुन रहे हैं पापा। अच्छा सुन लेंगे, पूजा करो ना, अगरबत्ती उगरबत्ती चढ़ाओ ना थोड़ा। नहीं ला रहे सर। और अगर 5/5 ही फ्रैक्शन होगा तो 1 पे ही ना करेंगे एरो। हाँ 1 पे करेंगे, लिखो ना, बता रहे हैं। अब नहीं है तो करो लाइनिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर, समझी सर रुक जाइए, डन सर। राजनंदनी। यस सर। चलो अच्छी बात है, क्योंकि सर लेकिन यहाँ पे सर आपने ऊपर की तरफ सर एरो क्यों दिया है। अरे इसी इस तरह से नोटेशन है। अब आप यहाँ पे वो हो थी डॉट, मैंने बोल्ड लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि ये वाला जो एरो बता रहा है 2/5 है, बस 2/5 कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करोगे ना, सब तो नंबर ही है, तो उसको कैसे हाईलाइट करोगे कि ये वाला 2/5 है, एक नोटेशन है और क्या बाबू। सर अगर 1 एंड 1 एंड हाफ करना होगा तो कैसे करेंगे। कैसे, हाँ 1 1 एंड हाफ अरे शैतान आएगा, पहली वाला सीखो ना जी, जो पढ़ा रहे हो तो सीखती नहीं है, वो आएगा पहले ही तो सीखो। डी नंबर, फिर से 20-10 मिनट शांति होकर सुनना, जो नहीं शांत होकर सुनेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पापा जी उसको फिर पीटेंगे। देखो शांति नहीं सुनने से बहुत घाटा होता है, नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर बौधा बन जाओगे, पढ़ने में कमजोर बन जाओ तो स्कूल का टीचर आपको इज्जत नहीं करेगा,
स्कूल का टीचर इज्जत नहीं करेगा, मार्क्स नहीं आएगा, फिर आपके गार्जियन आपको इज्जत नहीं करेंगे, फिर सोसाइटी वाले आपको हीन नजर से देखेंगे, फिर आप पे सब कहेंगे पढ़ने में तो बहुत ही है, कोई नहीं पूछेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो लास्ट में इतना सुसाइड ऑप्शन। है ना, लास्ट में बाबू आप अपने आप में टेंशन में रहोगे, फिर बाबू ऊपर चल जाओगे, तो इससे बढ़िया बाबू की मन से 10 मिनट सुन लेते हैं, मतलब है सब ना। आपके सहारे, आप नहीं तो हम लोग हाँ, इसलिए मन से हम लोग गए सुन ऊपर लेते हैं 10 मिनट, ठीक। डी नंबर, जिसको नहीं समझ में आया डी में समझो। शांति सुना, 3/8 है, तो ये भी क्या है सर, एक से छोटा ही भाई होगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका भी मान क्या होगा, एक से छोटा होगा। तो जिस जिस फ्रैक्शन का मान एक से छोटा होगा, वह फ्रैक्शन का नंबर लाइन 0 1 के बीच में आएगा, हमेशा ध्यान देना। जिस फ्रैक्शन का मान एक से छोटा होगा, कैसे छोटा होगा सर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है ना, न्यूमरेटर छोटा है तो इसका वैल्यू एक से छोटा हो जाएगा, तो इसका जब भी नंबर लाइन ड्रा करोगे तो कहाँ आ जाएगा, 0 1 के बीच में आएगा, है ना। तो इतना तो हमको पता चल जाता है सर, दिए गए फ्रैक्शन तो 0 1 के बीच में हम लोग दुई गो नंबर ड्रा करेंगे, 0 लिख देंगे, एगो थोड़ा सा दूर पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना। 0 1 के बीच में आएगा तो 2 लिखें चाहे नहीं लिखें, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, इधर दूर में लिखेगा तो दूर में 2 लिखो, इतना दूरी एक बित्ता 1 पे है, एक बित्ता की दूरी पे 1 है, तो अगला एक बित्ता की दूरी पे 2 होगा, है ना, सबिता ठीक। मेजर करने वाला है ना, अब देखो समझना यहाँ, 0 1 के, अब आपको क्या करना, 8 है ना डिनोमिनेटर में, 8 है ना, तो 0 1 के बीच में जो भी है बबू लाइन लेंथ, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है तो 0 1 के बीच में इतना बड़ा है ना, तो इसको 8 बराबर पार्ट में डिवाइड करो, जैसे मान लो 8 रुपया है, तो 1 रुपया 8 पार्ट में 1 1 रुपया होगा, तो इसको 8 पार्ट में करो, आइडिया लेके 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 और थोड़ा सा आगे 8 हो गया, है ना, इसी करके आइडिया लेके करना है, ये आपका 1 हो गया, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, नंबर यहाँ पे कितना दे ले, 3 दे ले, 3 दे ले, तो तीसरा डॉट पे जाओ, 3 देने का मतलब कि तीसरा डॉट पे, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, यही जो डॉट का वैल्यू होगा यही कितना होगा, 3/8 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। जिसको नहीं समझ में आया, वे उत्कर्ष बाबू वीडियो ऑन करो जी, सिन्हा, सर, हे उत्कर्ष तीसरे के सिन्हा, जीरो को काउंट नहीं करना है। यहाँ 0 ने यहाँ से 1 स्टार्ट करना, 1 2 3, यहाँ से ये 0 को छोड़ के 1, यहाँ से ये तो 0 है ना, तो इसका पहला पहला यहाँ से स्टार्ट करो, नेक्स्ट 7/10, ये नंबर जिसको नहीं समझ में आया इसमें समझो, लिखना नहीं है, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा फिर बहुत, ये भी क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा सर, तो इसका भी फ्रैक्शन कहाँ आएगा, 0 1 के बीच में आएगा, तो एक बड़ा सा नंबर लाइन ड्रा करेंगे सुतोष, यहाँ पे मान लो 0 दे दो, आप 0 1 के बीच में आएगा तो 0 1 के भी 10 पार्ट में बटेगा, तो थोड़ा अपना बनाते बनाते आइडिया हो जाएगा, यहाँ पे 1 दे दो, और जितना दूरी एक बित्ता पिए है तो इधर कहीं दूर में 2 दे दो, है ना। अब यहाँ एक से छोटा है ना, तो 0 1 के बीच में जो लेंथ है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इसको यह है ना, इसको 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 पार्ट में, हमको 7 कह रहा है, 7 कह रहा है, तो 7वां बिंदु पे जाओ, बिंदी नंबर 7 पे, 1 नंबर बिंदी, 2 नंबर, 3 नंबर बिंदी, 4 5 6 7वां नंबर बिंदी, तो यही हल्का आपका कितना कितना हो गया, 7/10 हो गया, ये बिंदी 7/10 हो गया। नहीं समझ में आया ऐसे ना, वीडियो ऑन करो जी, अगला क्वेश्चन समझो। एफ नंबर, 7/ क्या कह रहा है, 8 कह रहा है, तो हम लोग क्या, ये भी वैल्यू क्या है सर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एक से छोटा आएगा, तो एक से जब भी छोटा आएगा तो नंबर लाइन कहाँ जाएगा, 0 1 के बीच में, है ना, तो 0 हो गया, कहीं 8 पार्ट में है ना, 8 पार्ट में डिवाइड करना ना, तो थोड़ा सा दूर पे 1 दे दो, और जितना ये दूरी दोगे उतना ही दूरी पे 2 दे दो, यहाँ 8 है तो 8 पार्ट में इसको डिवाइड करो 0 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में हो गया, कैमा कह रहा है सतमा, 7वां बिंदी पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7वां बिंदी, ये है 7वां बिंदु, तो यही आपका 7/8 हो जाएगा, राइट डाउन करो।
अब भी डाउट रह गया वो का ब्याह? बोलो सर सर बस एक जी चीज विक्रम, बोलिए बाबू। जैसे वन मेरे पास है अपनी वाला कॉपी है, इंटरलिंक कॉपी, तो सर रूट वाले में मैं कॉम्बिनेशन और व्हाइट वाले में मैं ये वाला बना सकता हूँ अरे इंटरलिंक। शैतान, ये वो मोटा वाला कॉपी खरीदो ना, कॉपी खरीदने में इतना टेंशन का होता है जी। नहीं सर मेरे पास है मोटा वाला कॉपी, एक इंटरलिंक है, एक पेज व्हाइट, अच्छा एक ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए, सर मैं व्हाइट वाला बनाता हूँ डायग्राम जल्दी बनाओ इसका। बाबू आप ये स्केल से बना बना कर मेरा टाइम वेस्ट करती हो। सर। हाँ बाबू मेरा काव्य तो बोलिए। तीनों घर मैंने पेरेंट्स ने यूज इसका करा है वाइट सर, सर मैंने तो जैसे। सारा बना दिया अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, बोलो बाबू काव्य। सर। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन पे 7x8 पे डायरेक्ट ऊपर दे दिए हैं, तो 3x8, 4x8, 7x8, तो फिर 8x8 लिख सकते हैं 1 के जगह हाँ, 1 के जगह पे 8x8 लिखोगे 1 आएगा, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, सर। मुझे तो वहां पे करना आ गया, लिख। मैं डायरेक्ट अपने आप ही कर रही हूँ। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। हाँ सर अब एरो की डायरेक्शन सही है ना? बाबू, जल्दी करो, 7x8 इस टॉपिक को आज हम लोग फिनिश करते हैं नंबर लाइन ला, है ना, एक क्लास से मैक्सिमम एक क्लास का। ठीक है बाबू, जल्दी लिखो जी। अब बाबू हम लोग चौथ, सर रुक जाइए, जब मैं भी लिख डिनोमिनेट रही हूँ एफ वाला, ई वाला। डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो कैसे करेंगे, शांति से समझना। अगला लिखो, सर जी नहीं करवाए, टी वाला एट बात। डिनोमिनेट जी वाला को करोगे? अच्छा जी वाला बता, देखो जी वाला बाबू यहाँ पे हम लोग नीचे करिए देते, काला लेंगे आप लोग का। जी बाबू कितना दे ले? 3/4 दे ले, आपने एप लिख दिया, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जी। लक्ष्मी, हाँ सर। 0 लिखेंगे लक्ष्मी, हाँ सर। 1 लिखेंगे लक्ष्मी, हाँ सर। 2 लिखेंगे लक्ष्मी, हाँ सर। डिनोमिनेटर में 4 है, 1 से छोटा है लक्ष्मी, हाँ सर। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4 है ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाँ बाबू कर दिए सर। 3 है सर, तो 3 बिंदी पे जाओ, बिंदी नंबर 3 पे, पहला बिंदी, दूसरा बिंदी, तीसरा बिंदी, यहाँ पे जो आएगा यही होगा बाबू, 3/4 हो जाएगा। सर नेक्स्ट दूसरा टाइप क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने ई नंबर में 7x10 लिखा है, उसके बाद आपने दो पॉइंट खाली छोड़े 8 और 9 के लिए, फिर 1 लिखा है, तो सर अगर मैंने 7x10 लिख के डायरेक्ट 1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा? हाँ बाबू गलत हो जाएगा, 7/10 के बाद ये आपका हर एक डाउट बताना चाहिए, ऐसा 8/9 हो गया, 8/10, 9/10, अगला डाउट 10/10 है ना, ये बाबू हर एक बिंदी होना चाहिए प्रेजेंट बाबू, बिना बिंदी के बाबू आपकी सुंदरता घट जाता है, बिंदी लगाइए, किस्मत चमकाइए। पढ़ाई सर में है क्या चीज, कुछ मैंने तो 7x10 तक नहीं ही नंबर लाइन बनाई है 0 से। सर तो आगे भी बिंदी लिखिए, 10 पार्ट में ना डिनोमिनेटर 10 बनता है, तो 10 को बिंदी बनाना है, जल्दी कीजिए, ओके डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना बिंदी बनाना। अगला टाइप क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, मन से पढ़ना आ रहा बाबू? अगर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, दिक्कत का है करेले बतेवे क्या ना। सर कल भी मैथ कल ही बताएंगे या फिर साइंस? मैथ पढ़ लेंगे, फ्राइडे सैटरडे साइंस पढ़ लेंगे। नहीं सर, सर 3 दिन साइंस पढ़ा दिए ना सर, सर एक हाँ छूट गया था 1 दिन सर टेस्ट लेने। हल्ला मत करो, लिखो अगला क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, 5/3, 6/5, ठीक हम लोग को आइए। इन्हें फिर से लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, 12/5, 1 से बड़ा, अभी क्या है डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। फाइव बटा टू सारा नंबर लाइन ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है। हाँ, 7/2, क्या लिखे ग्यारह हैं बट फर्स्ट में? सर
सर फाइव आप बाई इसको थ्री है। टेस्ट में डालेंगे तो सर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। 13/4 क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं। सारे बच्चे को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले बताए हैं। यस सर बताएं। सर मैंने लास्ट वाला जी नहीं लिखा था। जी 3/4 है। चार को बिंदी बनाओ, 3 पे लेके जाओ, इंडे बिंदी को 3 पे बैठाओ। लिखो, इसको समझाते हैं हम लोग, ये भी आसान वाला जल्दी लिखो, समझ में आ जाएगा। ये हमें मिक्स सारे का फ्रैक्शन सारे में करने क्या है, आता सारे का सर। सारे डिनोमिनेटर। सर हमको लग रहा है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में परफॉर्म करना है, इसको लग रहा है। सर अच्छा, लगने से नहीं होगा, लिखो, हम समझा रहे हैं। कैमरा नीचे कीजिए कैमरा नीचे कहाँ करें जी, नीचे ना थोड़ी कुछ लिखल है थोड़ा जी, जो कैमरा नीचे करें। अब सर। तीन नहीं दिख है रहा है दो बाबू राजनंदनी, लास्ट 3/4 का दिखा था। सी अच्छा 3/4 तय, वो अपने मन से बनाइएगा। चार को नंबर में बिंदु क्या ड्रा है? कीजिए। जी नंबर में 13/4 4 है, 13/4 है। लिखो, तो 3/4 था सर ना। 3/4 13/4 था। तो अच्छा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लिखो ना, समझाते पहले, लिखो जल्दी से, समझा रहे हैं। सर 4/4 के बाद तो सीधा 1 लिख देंगे ना, 5/4 थोड़ी ना होगा। अच्छी बात है। सर जी नंबर में तो मैं सर अब बना भी रहा हूँ सर, ठीक है। सर अभी हमारा -2 + 2 6th क्लास में है सर। चलो अब यस शांति से देखो, सर सुनो फिर 10 मिनट। जो हमने 3 क्लास में पढ़ लिया है। अच्छी बात है, अब फिर शांति से सुनना है। सॉल्यूशन ए नंबर, फिर बाबू अपने आप को बाबू नहीं मारना चाहते हो तो शांति से सुनो, नहीं तो फिर वही कहानी शुरू होगा, बाबू कोई नहीं इज्जत करेगा। देखो शैतान, हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, शांति से सुनना है। इससे आसान कुछ नहीं, इस दुनिया का सबसे आसान वाला टॉपिक है। 5/3 है, तो ये वैल्यू कितना होगा सर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1 से ज्यादा होगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे करेंगे, 1/2/3 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, बचपन में सिखाए थे। कैसे करना, 3 को 5 से डिवाइड करना, एक बार में आ जाएगा 3 2, है ना, तो जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ पे लिखना, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना, जैसे डिवाइड, जो 3 3 था 3 यहीं लिख देना, अरे नीचे 3 है 3 लिख दो, रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर में लिख दो, अब क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब शांति से समझना, इतना अगर लिखे आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 8 बजे आना, सिखाएंगे। अब ये क्या कर रहा है सर, 1/2/3 है, अब यहाँ समझे इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 होल पढ़ेंगे और 2/3 पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे ना, 2/3 मतलब एक कंप्लीट हिस्सा, और प्लस क्या है ना, एक वो कंप्लीट हो गया मतलब 1 से ज्यादा, 1 होल कहने मतलब एक वो कंप्लीट हिस्सा। अब उसके बाद उसका क्या, 2/3, शांति समझो, मतलब क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना। ठीक, इससे आसान कोई टॉपिक, 0 देना यहाँ, 1/2/3 मतलब 1 से ज्यादा, 1 होल का मतलब 1 से ज्यादा, और कितना, 1 से ज्यादा, और यहाँ यहाँ जो भी नंबर रहेगा ना उससे ज्यादा लेना, तो 1 है तो 1 से ज्यादा करना, तो 0 होगा, 1 होगा यहाँ पे, और ये जितना 1 हो जितना दूर पे उतना ही दूर पे 2 लो। ठीक, मान लो ये इतना पे दूरी पे 1 है तो इतना ही दूरी पे क्या लेना है, 2 लेना, थोड़ा सा और आगे करो, शांति समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बाद में हमको मत करना। तो हमको क्या करा, 1 से ज्यादा, 5/3 क्या रहा, 1 से ज्यादा रहा, 1/2/3 1 से ज्यादा, तो अभी 1 से ज्यादा हम लोग 2 3, 1 से ज्यादा कहाँ जाएगा, 2 आएगा, 1 से ज्यादा कहाँ जाएगा, 2 वाले रीजन में जाएगा, तो अब हमको नंबर लाइन एरो कहाँ इंडिकेट करना है, इस रीजन में, तो कैसे करेंगे, शांति समझो, तो एक तो कंप्लीट हिस्सा है ही है सर,
एक तो कंप्लीट हिस्सा मेरा हाई है, अब उसके बाद क्या करना है यार, 2/3। अरे इसको ऐसे लिखते हैं ना जी, 1 + 2/3, 1 होल 2/3 को बचपन में सिखाए थे, बीच में यहाँ पे क्या दे सकते हैं, प्लस दे सकते हैं, तो 1 होल 2/3 इसको ब्रेक करोगे तो यही आ जाएगा 5/3, है ना। तो 1 + 2/3 मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा कहाँ चलोगे, दो वाले रीजन में चलोगे, तो यहाँ अब इसको ब्रेक करो, 2/3 है ना, तो अभी 1 2 को 3 हिस्सा में ब्रेक करो। अरे 1+, तो 1+ इसमें आना है, तो यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 2 3 को कितना हिस्सा में पार्ट ब्रेक करो, 3 पार्ट में, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। न्यूमरेटर में 2 है, तो ये वाला जो एरो होगा यही ना 2 है बाबू, तो 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, यही आपका जो एरो आएगा 5/3 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं ये वाला ग्रेटर देन 1 के लिए। नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा, इधर उधर करोगे तो नहीं आएगा। 3 4 को बच्चा कौन कौन भागा जी, मन से पढ़ना है लक्ष्मी। देखो बी नंबर 6/5 है बाबू, तो इसको बाबू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बताए थे बचपन में 1 होल 1/5, क्या लिखेंगे, 1 होल 1/5। हाँ फर्दर इसको कैसे लिख सकते हो, 1 + 1/5, यहाँ नहीं कुछ है तो बीच में प्लस दे दो, 1 + 1/5 मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा और 2 से कम, 1+ करने मतलब एक से ज्यादा और 2 से कम, मतलब ये कहाँ जाएगा, एक से ज्यादा में और 2 से कम वाले रीजन में जाएगा। मतलब कैसे, एक नंबर लाइन ड्रा करना, शांति से सुनना है, आसान है सुतोष। 0 देना, यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, ठीक। तो अब 1+ मतलब 1 से ज्यादा चलो, ठीक, तो 1 से ज्यादा कहाँ, इस रीजन में आएंगे, 2 वाले रीजन में आएंगे। तो अब 2 वाले रीजन के लिए, इस रीजन में यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो 1 2 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 इक्वल पार्ट में करो, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में, ठीक। और उसमें क्या करा, 1 तो पहला बिंदी लेना, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा यही आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, यही जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा आपका 6/5 आ जाएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, है ना। लिखो फिर आगे समझाते हैं, सर मैं नहीं आगे समझ क्या करूं? करो, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते, लिखो जल्दी से। हाँ रुक जाइए, मैंने अभी स्टार्ट किया है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो उसको आपको क्या करना है ना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, जैसे 2 आएगा तो 2 से अगला वाला अथी ब्लॉक में जाना, 3 आएगा 3 से अगला जाना, ये सब सबसे आसान टॉपिक है। सर तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं। लिखिए और क्वेश्चन समझाते, समझ में आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन करूँ बता रहे हैं, बता रहे, लिखो ना, बताते हैं। सर, ऐसा आज वो तक तो कभी हुआ पहले वो किस, सर वो वाला तो पहले पहले पार्ट में समझ में आ गया था। तो ये भी आ जाएगा। सारे इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझ में। सर आपने 1 के श्रेयस नीचे इक्वल टू क्यों बनाया? तो 1 के नीचे क्या बनाया, इज इक्वल टू सर ए में, ए के सॉल्यूशन में। उसको इसको पढ़ेंगे कैसे, यही लिखा ले, पढ़ेंगे कैसे, 1 होल 2/3 पढ़ेंगे, ओके सर, श्रेयसी कोचिंग जा रही बाबू, श्रेयसी कोचिंग जा रही हो, श्रेयसी मिस्टी, मिस्टी शैतान सुनते नहीं है, जल्दी सर लिखिए, समझाते हैं का क्वेश्चन और समझाते। देखो हो गई शांतनी, गई रोशनी, कहाँ रोशन कर रही है रोशनी, देखो रोशनी एगो शांतनी, राम मिलावर दोनों जोड़ी है, जल्दी लिखे बाबू, सर रुक जाए, मैं बी वाला नंबर लाइन कर रही। कल हम लोग इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे,
सब होमवर्क है। सर देन इसमें सर 5 पॉइंट है सर, 5 पॉइंट तो इसमें है ही नहीं सर, 3 4 ही है बी में। बी में 1 2 3 4, एको दो वाला जोड़ोगी ना जी, दो के ऊपर वाला एको पॉइंट जोड़ोगी ना, 5 को होगा ना। ओके सर, देखो जिसको नहीं समझ में अगला देखो, जल्दी सर ओके। करो जल्दी करो बाबू। देखो डी नंबर बताते हैं, सी नंबर बताते हैं, ओके मेरी कॉपी उल्टी कल पड़ी। हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, फ्राइडे सैटरडे आपको ये पढ़ा देंगे, साइंस साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। सर अगले सैटरडे मंथली टेस्ट चलो सी नंबर देखो, जिसको नहीं है। समझ में आया सी में समझो। अब लिखना बंद करो जी, सी नंबर देख 12/5 है, तो इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, बचपन में सिखाए 5 5 2 जा 10, 2 होल 2 बाई 5, शैतान इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ ले सिखाए ना जी, नहीं आता तो 8 हो जाओ। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2/5 मतलब 2 प्लस, मतलब 2 में कुछ जोड़े 2 से ज्यादा, 2 प्लस करने का मतलब 2 और 3 के बीच में जाएगा, ये नंबर लाइन आपका कहाँ जाएगा, 2 प्लस है मतलब 2 से ज्यादा और 3 से छोटा, तो 2 3 के बीच में जाएगा, नंबर लाइन कहाँ जाएगा, 2 3 के बीच में, मतलब क्या एक लाइन ड्रा करो है ना, 0 यहाँ 2 प्लस है तो 2 3 के बीच में जाएगा, तो 1 लेना इक्वल इक्वल दूरी पे, ये 2 लेना और इधर 3 लेना, ठीक यहाँ पे 2 प्लस आ गया ना, यहाँ 2 आ गया, 2 प्लस आ गया है ना, तो 2 से ज्यादा, 2 प्लस का नाम 2 से ज्यादा, ठीक तो 2 हम लोग यहाँ पे हैं बाबू, 2 मेरा यहीं पे है ना भोला, ठीक अब नंबर लाइन कहाँ जाएगा, ये 2 वाला का हिसाब किताब हो गया, 2 मेरा हम लोग यहाँ पहुंच गए ठीक, और जो फ्रैक्शन है उसका हिसाब किताब करो, तो 2 3 में जो हिस्सा उसको कितना पार्ट में बांटोगे, 5 पार्ट में, 2/5 है ना तो यहाँ डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट में डिवाइड करना, अरे शैतान ये 2 तो हो गया, 2 पे तो आ गया, अब यहाँ से 2 3 के बीच में जाएगा, तो इसको क्या करो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो 2 3 के बीच में, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 5 पार्ट में 4 पार्ट आएगा, यहाँ 5 पार्ट हो गया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब यहाँ से 2/5 कह रहा है, कैमा बिंदु दूसरा बिंदु, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, ये वाला जो बिंदु होगा, यही जो बिंदु होगा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, क्वेश्चन 12/5 है ना, तो यही जो बिंदु हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, जिसको 7/2 5/2 है ना, डी नंबर में 5/2 है, तो 5/2 है, 5/2 है डी नंबर में, देखो एक बार समझो, 5/2 है लक्ष्मी, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर आता है ना लक्ष्मी, 2 होल 1/2 है ना, ठीक सर इसको कैसे लिखोगे, 2 + 1/2 है ना, ठीक सर अभी कहाँ जाएगा, 2 और 2 प्लस है मतलब 2 3 के बीच में जाएगा, कहाँ नंबर लाइन में जाएगा, 2 3 के बीच में, 2 प्लस हो गया ना मतलब कहाँ जाएगा, 2 3 के बीच में, तो 0 2 1 2 2 2 3 2, 2 प्लस मतलब 2 3 के बीच में, तो हम लोग 2 3 के बीच में इसी रीजन में आएगा, ठीक अब इस रीजन में कैसे करेगा, तो इस फ्रैक्शन का निकालो, तो डिनोमिनेटर में 2 है मतलब 2 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा हो गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, उसमें पहला कह रहा, तो ये जो डाउट होगा यही जो लाइन होगा आपका कितना हो जाएगा, गुड फाइव इवनिंग बटा टू हो सर, जाएगा, यही लाइन होगा 5/2 होगा, राइट डाउन करो बाबू, डीआर हाँ DIY दे रहे हैं, क्या हम जो लोगों को करना है? रिमेनिंग बाकी के बचे हुए आप डीआर दे दो। हाँ हम लोगों को करना नहीं है जी, शैतान हल्ला करती है खाली बोलती है, डीआर। ये वाला करो DIY, ये वाला करो, ये वाला करो, और बाबू 5 नंबर दे देते हैं कुछ कुछ, हाँ सर, बस पांच इतने नंबर काफी मत है। करो, मैं पूरा मैं डीआर बांस में करता प्लीज हूँ। प्लीज शांत रहो, अच्छा ठीक है, एच नंबर 3/4 3/7 H G H
ये तो जी वो वाले हैं जिस हाँ, तो दो करेगा ना, हसन को दो करेगा ना जी। फाइव यस बट्टा इलेवन करोगे नाटक को बाबू काव्या? सर, ये तो अलग टाइप का है सर, यानी अलग टाइप, यस पहला वाला बताया ना जी। सर, तो आपको सर उस इसको तो 3 वाले में जोड़ना चाहिए अरे ये होमवर्क है, बना के लाना है। सर, तो मैं 3 वाले में जोड़ दूँ इसको सर, होमवर्क अभी भेज दूँ? बाय सर, मैं कल बना के भेज भेजिएगा, बाद दूंगी होमवर्क। में मैं भूल जाती हूँ। ड्राइविंग क्लास कब स्टार्ट होगी? 8 बज तो गए। आ जा रही, रुकिए मैं लिख रही हूँ। ब्लैंक लिख सर रही हूँ।